चलिए, तो ग्राफिकल जनरेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लेट्स रिकॉल वंस, दीज आर द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो वेव की प्रोपगेशन के पैरेलल पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं इसमें. अब देखते हैं वो कैसे हम जनरेट करते हैं. इन दिस केस ऑल्सो वी विल टेक मीन पोजिशंस. अब हम वर्टिकल लेंगे. दीज आर मीन पोजिशंस 1, 2, 3, 4, 5. 5 मीन पोजिशंस वी आर टेकिंग. एंड टू बोथ साइड्स ऑफ ईच मीन ड्रॉ टू एक्सट्रीम पोजिशंस. सो आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. ये इसकी मीन हो गई, ये इसकी मीन हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मीन पोजिशन, दिस मीन पोजिशन, दिस इज द मीन पोजिशन, दिस इज मीन पोजिशन, दिस इज मीन. ठीक है. सो वी हैव ड्रॉन द मीन पोजिशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच मीन्स वी हैव ड्रॉन एक्सट्रीम पोजिशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच मीन पोजिशन. Now again we are taking five points, five particles here. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये horizontal lines भी draw कर दीजिए ताकि पता लगे particles हैं. ठीक है, 5 की जगह 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. ओके, यहां तक ड्रॉ करिए. पहले ड्रॉ दिस. इन दिस केस द पार्टिकल विल बी ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ. यू नो In longitudinal wave, the particles oscillate to and fro, back and forth. ठीक है, जो oscillate back and forth. तो अब ये particle mean से right extreme पहले जाएगा, फिर mean पे वापस आएगा, then will go to left extreme and again come back to the mean. तो ये order रहेगा हमारा यहाँ पे. ठीक है, तो start करते हैं. So at t equal to 0 instant, instant mark कर लो. One more instant we have taken here. उससे भी आगे एक और instant लिया. 4t/4 के बाद भी we have taken 5t/4 also. So 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 and 5t/4. So we have taken 6 intervals now. Uska reason clear ho jayega aapko bhi. So let us see that at t equal to 0 instant, one first particle has received the disturbance. All other particles are at rest. Sare particles rest mein hain. First particle has received the disturbance. फर्स्ट पार्टिकल ने डिस्टर्बेंस रिसीव कर ली. ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल इज ऑल्सो एट रेस्ट बट इट हैज रिसीव द डिस्टर्बेंस. सो वी हैव पुट एन एरो टू शो दैट इट इज अबाउट टू मूव टुवर्ड्स राइट. तो इस तरह से इसमें हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे. ठीक है, वी विल कंटिन्यू लाइक दिस. अब नेक्स्ट इंस्टेंट पे फर्स्ट पार्टिकल हैज रीच्ड the right extreme and it is about to come back. First particle has reached here and it's about to come back. Second particle has got the disturbance, it is about to move. So it has got the disturbance, so indicate, we indicate by an arrow.
अब t equal to t by 2 instant पे first particle has come back to the mean, it is about to go towards the left extreme. Second particle right extreme पे पहुंच गया, it is about to come back. Third particle has received the disturbance. So complete it like this. Go on doing. 3t by 4 पे first particle has reached the left extreme, it is about to come back towards mean. Second particle has reached the mean, it is about to go towards the left. Third particle has reached the right extreme, it is about to come back towards the mean. Fourth particle has received the disturbance. T instant pe first particle has again come back, it is about again to go towards the right extreme. Okay, second particle has reached the left extreme, it is about to come back. Third particle has reached the mean position, it is about to go towards left. Fourth particle has reached the right extreme, it is about to come back. Fifth particle has received the disturbance. ये आपको ऐसे देख के समझ नहीं आएगा, जब हम खुद करते हैं ना उसको तभी हमें पता चलता है. So go on doing like this. कल जैसे हमने ट्यूजडे को किया था, सेम वे प्रोसीड करिए. बस इस केस में ऐसे है, तब आप अप डाउन कर रहे थे, अब आप बैक एंड फोर्थ करो. T equal to T by 4 पे अगेन फर्स्ट पार्टिकल हैज रीच्ड राइट एक्सट्रीम, इट इज अबाउट टू कम बैक. सेकेंड पार्टिकल की जर्नी कंप्लीट हो गई है, इट विल अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट. थर्ड पार्टिकल हैज रीच्ड द लेफ्ट एक्सट्रीम, इट इज अबाउट टू कम बैक टू मीन पोजिशन. फोर्थ पार्टिकल हैज रीच्ड द मीन, इट इज अबाउट टू गो बैक टुवर्ड्स लेफ्ट. फिफ्थ पार्टिकल हैज गॉन टुवर्ड्स राइट, इट इज अबाउट टू कम बैक टुवर्ड्स मीन पोजिशन. सो ड्रॉ दीज पोजिशन. करिए ड्रॉ. ये डोर भी बंद कर दो, शायद उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है. ठीक है, अब हम ज्वाइन करते हैं एरोस को लेंथ वाइज. अब ज्वाइन करना इस तरह से, ठीक है, जहां जहां पे एरो है इसको ज्वाइन करना. ज्वाइन करिए, ऐसे बनेगा. नाउ यू विल से कि कंप्लीट वेव तो यहीं तक होगी थी फर्स्ट पार्टिकल की, व्हाई वी हैव एक्सटेंडेड, बिकॉज़ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज वेरी क्लियर नाउ. एक इंस्टेंट ज्यादा लेते हैं तो वेयर द पार्टिकल्स हैव गॉन फार्दर एंड वेयर दे हैव कम क्लोजर इज वेरी मच क्लियर. पहले देखिए कि उनमें डिस्टेंस अबाउट कितने ब्लॉक्स का था, फर्स्ट और सेकेंड में 1, 2 और 3 ब्लॉक्स का डिस्टेंस था. नाउ सी, फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल में डिस्टेंस 2 ब्लॉक्स का है, सेकेंड और थर्ड में भी डिस्टेंस 1 और 2 ब्लॉक्स है. सो 1, 2 and 3 हैव कम क्लोजर देन नॉर्मल. सो दिस रीजन इंडिकेट्स कंप्रेशन पार्ट. दिस रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इंडिकेट्स कंप्रेशन पार्ट बिकॉज पार्टिकल्स हैव कम क्लोजर देन नॉर्मल. पहले 1, 2 और 3 में 3, 3 ब्लॉक्स का डिस्टेंस था, अब 2, 2 का रह गया, आप देख सकते हो. सो दे हैव कम क्लोजर देन नॉर्मल. अब सेकेंड और थर्ड में देखो कितने ब्लॉक्स का है, ये तो हो गया. थर्ड और फोर्थ में देखो 1, 2, 3 ये है ना, यहाँ पे है ना थर्ड पार्टिकल. 1, 2, 3, 4 फोर ब्लॉक्स का. पहले नॉर्मल में 3 का था, 4 ब्लॉक्स का डिस्टेंस है. 4 और 5 में देखो कितने, 1, 2, 3 और 5 4. ठीक है, 4, 4 ब्लॉक्स का डिस्टेंस हो गया. सो डिस्टेंस बिकम दीज पार्टिकल्स हैज बिकम मोर देन नॉर्मल. तो इसका मतलब दिस पार्ट इज शोइंग रेयरफैक्शन. सो जस्ट टू शो कि पार्टिकल्स में डिस्टेंस कम हो गया या ज्यादा हो गया, ये एक इंटरवल ज्यादा लेने पे हमें पता चल रहा है. सो वी कैन से दैट दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव.
इज दैट क्लियर? देख लीजिए, जिसको कोई डाउट है पूछ सकते हो. चलिए नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट टॉपिक. हाँ जी जी विटेश बोलो. हर वेव जो होती है ना, एवरी वेव, उसकी वेव मोशन ऐसे ही आनी, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, व्हेन वी विल मार्क लॉन्गिट्यूडनल वेव इन दिस फॉर्म, देन इट इज डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड डेंसिटी ऑन वाई एक्सिस. डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, शेप वही आनी है. बट इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है विद डिस्टेंस. इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव डेंसिटी इज वेरिंग विद डिस्टेंस. तो एक वेव की शेप वही आनी है, जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी वेव जो है वो आप कह रहे होंगे कि ये तो ट्रांसवर्स जैसी दिख रही है. ये ट्रांसवर्स नहीं है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल का ही ग्राफ है, वो भी ऐसा ही होता है. बट जस्ट आप, हम फर्स्ट पार्टिकल की वेव यहां तक क्यों नहीं रुके, क्योंकि डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इनमें रिड्यूस हुआ इसमें इंक्रीज हुआ. अगर हम यहाँ पे रोक देते तो वो इतना क्लियर नहीं हो रहा था. ठीक है, ग्राफ की वेरिएशन, ग्राफ की शेप वही आनी है फॉर ट्रांसवर्स वेव्स आल्सो, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आल्सो. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके ओके. आफ्टर ग्राफिकल जनरेशन of longitudinal wave, let us see velocity of transverse waves in a spring. You have done basic differences between transverse waves and longitudinal waves in 9th class. तो उसमें यही आपको बताया गया था कि transverse waves mainly strings में, ropes में produce होती हैं, solids में या फिर liquid के surfaces में ज्यादा से ज्यादा produce हो सकती हैं. But longitudinal waves can be propagated through all the three states, solids, liquids, gases, सभी में मतलब प्रोड्यूस हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल वेव. जैसे कि साउंड वेव, साउंड वेव कैन प्रोपगेट थ्रू ऑल द थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में हमने लिखी, क्योंकि मोस्टली ट्रांसवर्स वेव में रोप्स का एग्जांपल लिया जाता है, स्ट्रिंग्स का एग्जांपल लिया जाता है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? टी बाय मी, नोट कर लो. V is equal to under root T by mu. If we take velocity of transverse wave in a solid, मतलब general, तो हमारा formula हो जाता है y by rho. Solid मतलब एक general formula जो होता है speed of transverse waves in solid, वो होता है under root y by rho, where y is Young's modulus and rho is density. Rho is density and y is Young's modulus. बट स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग, जैसे हमने सोनोमीटर में यूज किया, सोनोमीटर में ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में मूव कर रही है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आएगा अंडर रूट टी बाय म्यू. वी विल बी अंडर रूट टी बाय म्यू. और वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ फ्लूइड, ज्यादातर वो लिक्विड और गैसेज में प्रोड्यूस होती हैं, तो उनका बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा अंडर रूट के बाय रो, वेयर के इज बल्क मॉडुलस. लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए यंग्स मॉडुलस नहीं होता, उनके लिए बल्क मॉडुलस होगा. सो दैट इज बेसिकली अंडर रूट के बाय रो. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इफ वी टेक साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव
इन एयर, और फ्लूइड कौन सा ले, एयर ले ले, अगर हम एक स्पेशल केस ले ले, तो फिर हमारा फॉर्मूला आएगा अंडर रूट गामा पी बाय रो। गामा आपको पता ही है सीपी बाय सीवी, एंड पी इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, और उसने अकेला अंडर रूट पी बाय रो दिया था, लेटर ऑन लैपलेस करेक्टेड इट एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस गामा हियर। सो दिस इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर गिवन बाय लैपलेस, v इज अंडर रूट गामा पी बाय रो। तो ये फॉर्मूले नोट कर लो। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेशंस नोट कर लीजिए। इफ यू रिमेंबर इन एडियाबेटिक प्रोसेस आई गेव यू एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी और प्रोपिगेशन ऑफ साउंड थ्रू द एयर। आई टोल्ड यू द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड थ्रू द एयर इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन वी वर डूइंग द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो ये जो प्रोपिगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर है ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये फॉर्मूला उसको कंसिडर करके डिराइव किया गया। बेसिक फॉर्मूला यही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसको कंसिडर करके इसको डिराइव किया गया है बाय टेकिंग द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। पीवी रेस्ट पर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, पीवी रेस्ट पर गामा इज अ कॉन्स्टेंट लेके इसको डिराइव किया गया। बच्चे एक मैसेज है आपका दैट यू हैव टू जॉइन सोनाली मैम इन थर्ड पीरियड। ठीक है, ये आपने इनको ज्वाइन करना है थर्ड पीरियड में। आई हैव शेयर्ड हर पासवर्ड, मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, थर्ड पीरियड इंग्लिश का है, सोनाली मैम को यू विल ज्वाइन। तो ये फॉर्मूले क्लियर है आपको? तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट इन द सिलेबस आई डोंट थिंक सो दैट द डिटेल्स आर देयर नाउ। तो ये पहले तो हमारा पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता था, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का अंडर रूट के बाय रो ही है। तो ही सेड, न्यूटन सेड दैट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ही स्टार्टेड विद दिस ऑब्जर्वेशन कि मतलब काफी स्लो होता है ये प्रोसेस, तो टाइम होता है हीट एक्सचेंज का, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है व्हेन द साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू द एयर। सो ही कंसिडर्ड दिस इक्वेशन, पी वी इज अ कॉन्स्टेंट, और यहां से डिफ्रेंशिएट करके बल्क मॉडुलस निकाला गया। आपको बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन पता ही है, चेंज इन प्रेशर ओवर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डी वी बाय डी। ठीक है, दैट इज चेंज इन प्रेशर मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का, तो वो निकालते हैं इसको। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड, पी डी वी प्लस वी डी पी, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। सो पी डी वी इज माइनस वी डी पी। ठीक है, यहां से आप उधर ले गए माइनस, ये वी ऊपर आ गया ना, माइनस डी पी ओवर डी वी बाई बी, ये आपका के आ गया। सो के इज इक्वल टू पी, कंसिडरिंग दिस इक्वेशन पी, उसका के जो है वो पी के इक्वल आया। सो पुट दिस के इक्वल टू पी इन वन, he got the formula for velocity of sound in the air. पहले ये formula आया था, but this formula was not correct, क्योंकि if you put in the values here, atmospheric pressure 1.01325 into 10 raised to power 5 और density of air 1.3 और 1.293, तो ये speed of sound आ रही थी 280 meter per second,
But speed of sound in air is about 320-330 meter per second. ठीक है, तो काफी ज्यादा अगर हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें तो 16% एरर आ रहा है, विच इज क्वाइट लार्ज. वी कांट इग्नोर दिस लार्ज अमाउंट ऑफ परसेंटेज एरर. ठीक है, तो ये एरर हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज रिजेक्टेड, दिस फॉर्मूला वाज रिजेक्टेड. तो लैपलेस ने अब इसको करेक्ट किया. उसने कहा कि द प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस. The compression and rarefaction are so fast that there is no time for heat exchange. So the heat exchange does not take place. That's why this process is adiabatic process. So ab unhone equation lagai adiabatic process. Theek hai? PV rest par gamma is a constant. Laplace correction. So he said that propagation of sound through air is an adiabatic process. So PV rest par gamma is a constant. अब इसको यूज करके हम K निकालते हैं. P dV, P gamma V gamma minus 1 dV plus V gamma dP equal to 0. Differentiate करना आता है ना अभी आपको. ठीक है, so gamma P, you can write V raised by gamma minus 1 as V gamma over V. ये step clear नहीं है तो पूछ सकते हो. If this step is not clear, you can ask. V raised by gamma gets cancelled and we get gamma P is equal to minus dP over dV by V. मतलब कि K आ जाता है, अकेला P नहीं, gamma P आ. So in this formula there should be gamma P. और air का gamma जब हम यहाँ निकालते हैं, air का gamma 4.3, it's a non-linear triatomic gas. तो वो जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये 320 meter per second है. So then we get the actual speed of light in air. ठीक है, so this is Newton's formula for velocity of sound and Laplace correction. So this was how the velocity of sound in air was calculated. ठीक है, let me